अंबाजी सोमया ट्रस्ट सोमया संस्कृति विहार और सोमया विद्या विहार 25मा ज्ञान यज्ञ में कजे सोमैया विज्ञान वाणिज्य आ महाविद्यालय आज थी लगभग 2 वर्ष पहला सप्तक नामनी संस्था उभी करी एटले के संगीतना जे 7 सूरो छे ए सूर द्वारा एमणे अलग अलग राग में गीतों पोते कम्पोज पण कर्या, क्या क्या गायेला गीतों रजू पण कर्या, पण मात्र कजे सोमैया विज्ञान अने वाणिज्य महाविद्यालयनी सोमैया संकुलमां जे कोई संस्थाओं छे, पछी एना प्राचार्य होय, प्राध्यापक होय के विद्यार्थी पण होय, ए बधा ज आ सप्तकमां जोड़ाई गया छे। तो आजे आपनी समक्ष विविध रंगी यमन राग पर आधारित हिंदी गीतोनो कार्यक्रम सप्तक द्वारा प्रस्तुत थशे, पण आनी स्थापना करवामां आवी हती आजथी लगभग 2 वर्ष पहेला, अने ए पण कजे सोमैया विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालयना प्राचार्य डॉक्टर विजयभाई जोशीए अने एमनी प्रेरणाथी आ शरूआत करवामां आवी हती। वधु आपनो समय न लेता हूँ प्राध्यापिका सविता बेनने आगळनो कार्यक्रम वधारवा माटे नम्र विनंती करूँ छूँ। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित लीलाबेन जी, सब समस्त श्रोतुवर्ग, सब बुजुर्ग लोग, उनका मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस सुरमयी संध्या में मैं सविता मोघे हमारे सप्तक के कलाकारों की ओर से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा यह सप्तक मंच हमारे प्रतिभाशाली प्राचार्य डॉक्टर विजय जोशी की प्रेरणा से स्थापित हुआ है। सप्तक माने स्वरों की रचना या समूह, अभी जैसे प्राचार्य सुधा व्यास मैडम ने बोला। सप्तक के जरिए हम हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार एवं प्रसार करना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत, जो विश्व में शिखरस्त माना जाता है, उसकी जानकारी देना, उसके प्रति रुचि बढ़ाना, ये उद्देश्य ध्यान में रखते हुए सप्तक की स्थापना हुई है। इसमें हम एक राग चुनकर उसका शास्त्रीय अंग, शास्त्रीय रूप प्रकट करते हैं और तत्पश्चात वही राग पर आधारित कुछ पुराने फिल्मी गाने, भजन, अभंग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को गाना अच्छा लगता है, वी लिसन द सॉन्ग, और फिर लगता है कि इतना सुरीला गाना कैसे है, ये किस राग में से होगा। लेकिन सब लोगों को तो शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है नहीं, तो फिर हमारा प्रयास ये है कि हम लोग पहले, जैसे कि आज यमन है, कि यमन हम गाएंगे, उसके बाद में जब हमारे ये सब आर्टिस्ट एक एक गाना पेश करेंगे तो आप बोलेंगे, अरे वाह, ये यमन से है, ये यमन से है। तो ये सब गाने मैं अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे वो आपको आश्चर्य से जो आप मोहित होंगे, वो मुझे देखना है कि जो सब गाने हैं वो यमन राग में ही हम सादर करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि यमन राग में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है, कि बड़े बड़े संगीतकार और गायक लोगों ने इस महासागर में डुबकियाँ लगाई और अच्छे अच्छे से मोती उसमें निकाले, और उसमें वो मोतियों की माला पिरो के हम आपके सामने वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। कार्यक्रम के इस प्रथम चरण में हम राग यमन शुद्ध शास्त्रीय रूप में पेश करेंगे, और उसके बाद में उसके आधारित गाने, यानी फिल्मी गाने, भजन, भावगीत, अभंग आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको इस राग का परिचय दिलाकर आपके मन को प्रसन्नता प्रदान करेगा। इस प्रयास से इस ज्ञान यज्ञ में हम हमारी सुरों की आहुति डालना चाहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि 25वीं ज्ञान यज्ञ में हम लोगों को इधर प्रेजेंट करने का वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, सो वी आर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर दिस। और इस ज्ञान यज्ञ में हमारी कला सादर करने के लिए हमें जो सुवर्ण संधि प्रदान की गई है, उसके लिए मैं हमारी सोमैया मैनेजमेंट, श्री सुंदरराजन सर, प्राचार्य डॉक्टर सुधा व्यास, प्राचार्य डॉक्टर विजय जोशी, इन सब मान्यवरों को प्रति आदर व्यक्त करते हुए हमारे आभार प्रदर्शित करते हैं। अभी
आज ये यमन राग हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसके अनेक अंग हैं और इसमें बैठे हुए अनेक कलाकार ये सादर करने वाले हैं। बिफोर आई बिगिन विथ यमन एंड द इंट्रोडक्शन, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल माई कलीग्स। हमारा जो सप्तक का ग्रुप बन गया है, इट इज जस्ट लाइक यू नो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स दोज हु आर लविंग म्यूजिक। तो इसमें अब मैं जब आप इनका परिचय करवाऊंगी तो आपको मालूम होगा कि सभी स्तर के लोग इसमें समाविष्ट है और उन्होंने अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया है कि ये प्रोग्राम को यश मिले और हम ये प्रोग्राम आपके सामने प्रदर्शित करें। मैं अभी सब आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन करने जा रही हूँ। I'll start with Sheila, okay? Dr. Sheila Prabhu from KJ Somaiya College of Science and Commerce. Mr. Rajesh Gaikwad, KJ Somaiya College of IT, Sayan. Jordar taaliyan baja do, kyunki hamara bahut busy schedule hai, usme bhi hum logon ne time nikal ke iska practice kiya hai. Pracharya Mrs. Kavita Vaidya, principal of the Somaiya School. इनका योगदान तो बहुत हमारे ये प्रोग्राम में है कि जब हमने चाहा वो ऑडिटोरियम उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध करके दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट आल्सो। उसके बाद में है सीमा बाविस्कर, एसके सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। प्रोफेसर येलपदे फ्रॉम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। डॉक्टर कनक लता तिवारी फ्रॉम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। समता, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। हितस्वी फ्रॉम केजे सोमैया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। साइली फ्रॉम एसके सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। प्रभाकर फ्रॉम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आईटी सायन। प्रभाकर भी बहुत अच्छे गायक है, सभी अच्छे गायक है, ये प्रोफेशनली भी अपना शो करते हैं। उसके बाद में है क्रिस्टिना फ्रॉम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मिस्टर श्रीकांत चावड़े, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्राध्यापक है। धर्मीन मेहता फ्रॉम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यश व्यास फ्रॉम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। नीसी फ्रॉम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मिस्टर दीपक राउत, केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आईटी सायन। मिसेस स्मिता भोसले, केजे सोमैया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। मधुरा फ्रॉम एसके सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। सरस्वती फ्रॉम एसके केजे सोमैया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। श्रद्धा फ्रॉम केजे सोमैया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। मोनिका, एसके सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। मिसेस ज्योति फ्रॉम केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी उधर प्राध्यापिका है। एंड देन तबले पे है मिस्टर गौरव मुरकर और कीबोर्डिस्ट चंद्रकांत पांचाल, हम लोग उनको प्यार से चंदू दादा बोलते हैं। और मैं सविता मोघे फ्रॉम केजे सोमैया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। थैंक यू। अभी मैं यमन राग की थोड़ी सी विशेषताएं आपको बताऊंगी, फिर हम लोग सरगम गीत गाएंगे, लक्षण गीत गाएंगे और एक एक रंग आपके सामने प्रस्तुत होगा। अभी यमन, इस राग का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। बहुत साल पहले आमन नाम का एक हिब्रू लैंग्वेज में शब्द प्रचलित था। इस शब्द से मुस्लिम राज के दरमियान ईमेन ये शब्द प्रस्तापित हुआ और ईमेन से यमन और यमन से आजकल हम बोलते हैं ये मन। यमन यानी जो मन को रिझाता है, ऐसा राग। अभी राग क्या होता है, टाइम बहुत थोड़ा है, ज्यादा तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन राग माने स्वरों की ऐसी सुरेल रचना कि जिससे मनोरंजन होता है, एक महासागर की तरह रहता है, उसके ऊपर हम लोग अनेक गति बना सकते हैं, अनेक ट्यून्स बना सकते हैं, अनेक गाने बना सकते हैं। और किशोर यमोनकर, पंडित जसराज, इन जैसे बुजुर्ग लोगों ने ये राग संगीत इतना परिचित कराया है
कि आजकल देखो हमारी ये सब नई जनरेशन उसमें जो बैठी है वो लड़कियां लड़के सब वो राग गा के बहुत खुश होते हैं क्योंकि दिस इज द बेसिक ऑफ म्यूजिक यू कैन से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ये जो है और कर्नाटकी म्यूजिक ऑल्सो इतना डीप है कि उससे जितना हम लेना चाहें उतना कमी है हम ले नहीं पाते हैं। अभी इस राग का ऐसे होता है कि राग के भी पेरेंट्स होते हैं जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे राग के भी माता पिता होते हैं उसको हम शास्त्रीय परिभाषा में बोलते हैं थाट। तो ये राग का थाट है कल्याण यानी उसकी जो उत्पत्ति हुई है कल्याण थाट से हुई है उसका वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है निषाद। अभी राग तो सुरों से बनता है स्वरों से बनता है सारे गम पधनी सानी दप मगरेसा जो सात सुर है उसमें बनता है उसके अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन से राग बनता है। तो अभी वादी स्वर क्या है सिंपल लैंग्वेज में हमारे टीचिंग कम्युनिटी के लैंग्वेज में बताऊंगी। वादी स्वर होता है कॉलेज के प्रिंसिपल और संवादी स्वर होता है वाइस प्रिंसिपल माने वो जो प्रमुख व्यक्ति जैसे कॉलेज में होती है प्रिंसिपल वैसे वो राग का वो वादी स्वर यानी प्रमुख रहता है। तो गंधारवादी है और संवादी निषाद है। हमारे यहाँ भारतीय संगीत इतना श्रेष्ठ है कि अलग अलग समयों पर अलग अलग तरह के राग पेश किए जाते हैं और इस राग का जो गान समय है वो रात का प्रथम प्रहर है माने अभी थोड़ा एक सात साढ़े सात सवा सात के बाद में जो शुरू होगा तो राग यमन हम बहुत एप्रोप्रिएट टाइम पे गा रहे हैं तो उसका मजा बहुत अलग आता है। तो एवरी राग जैसे भैरव सुबह गाते हैं भैरवी बहुत सुबह गाते हैं इसलिए हर कॉन्सर्ट में भैरवी रात को सब प्रोग्राम के बाद में गाई जाती है ऐसे रागों का समय रहता है। इसमें म तीव्र है और बाकी स्वर शुद्ध है। तीव्र माने क्या जो स्वरों का जो बेसिक स्केल रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर हमारे घर में भी ऐसा होता है ना एक आध व्यक्ति थोड़ा सा हाइपर होता है तो जैसे राग में भी एक स्वर है वो ऐसा थोड़ा हाइपर है तो वो म तीव्र हो गया अपने लेवल से थोड़ा ऊपर हो गया बट इट क्रिएट्स ब्यूटी। और अगर वो ऐसा थोड़ा दबदबा घर में रहता है ना कंट्रोल है तो घर में डिसिप्लिन भी रहती है तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो इसमें जो म है वो तीव्र है। इस राग में अगर शुद्ध मध्यम का भी उपयोग करें तो यमन कल्याण नामक राग तैयार हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने राग के बारे में कहने का प्रयास किया क्योंकि हमारा ये थीम है कि श्रोतु वर्गों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना और बाद में उनका मनोरंजन करना। निरेगम धनीसा सानिधप मगरेसा ये इसका आरोह अवरोह है। यमन राग शास्त्रीय व उपशास्त्रीय संगीत में बहुत प्रचलित है। हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक सरगम गीत से। सरगम गीत क्या होता है सरगम गीत यानी राग में जो स्वर होते हैं उनकी सताल सुरेल रचना उससे राग पहचाना जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से स्केलेटन है ना हमारा जैसा स्केलेटन बॉडी स्केलेटन कैसा लैब में रहता है वैसा ये राग का स्केलेटन है उससे आपको राग मालूम होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग गाएंगे सरगम गीत। Pa ma pa ga ma na pa
अब हम आपके सामने लक्षण गीत पेश करेंगे, राग यमन का लक्षण गीत, यानी यमन की जो जो विशेषताएं हैं, जो वादी है, संवादी है, थाट है, उसकी जो रचना है, ये गीत द्वारा आपके सामने प्रस्तुत होगी। आपके सामने यमन राग में एक बंदिश और तराना प्रस्तुत करने जा रही हूं। बंदिश माने वो रागों को लेकर, शब्दों की सहायता लेकर, रागों के स्वरों को लेकर जो रचना, काव्य रचना प्रस्तुत की जाती है और जो ताल में सीमित रहती है, वो तालबद्ध रहती है, ऐसा गीत उसको बंदिश कहते हैं। और उसके बाद में एक तराना। तराना तो बहुत उसे सुन के और गा के भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उसके जो शब्द रहते हैं, नादिर तुंदिर तनाना नादिर दिर दिर, उसमें कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो गाने के बाद में महफिल में समा बांधा जाता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल ऑफ सिंगिंग। तो पहले मैं बंदिश गाऊंगी, उसके बाद में तराना आपके सामने पेश करूँगी। मैं थोड़ा राग का वातावरण निर्माण करने के लिए एक दो आलाप करके फिर बंदिश शुरू करूंगा। Yeah.
Thank you.
आपके सामने यमन के अंग प्रस्तुत करेंगे। ये शास्त्रीय संगीत का यमन हो गया। अभी देखते हैं, अभी जो हम गणपति बाप्पा की आरती गाते हैं ना, सुखकर्ता दुखहर्ता, वो भी यमन राग में निबद्ध है। प्रसिद्ध संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर जी ने उसको कंपोज किया है और लता दीदी ने उसको बहुत अच्छे से गाया है। वो आरती हम सब मिलकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति।
मोरिया ऑडियंस गणपति बाप्पा मोरिया। अभी हम जो यमन के सब गीत सादर करेंगे उसके पहले कोई निवेदन नहीं होगा, वो मेडले काइंड ऑफ थिंग है। एक के बाद एक हमारे आर्टिस्ट ये गाना पेश करेंगे। मागे उभा मंगेश पुढ़े उभा मंगेश मागे उभा मंगेश पुढ़े उभा मंगेश माझा कड़े देव माझा पाहतो आहे माझा कड़े देव माझा पाहतो आहे मागे उभा मंगेश पुढ़े उभा मंगेश मागे उभा मंगेश पुढ़े उभा मंगेश माझा कड़े देव माझा पाहतो आहे माझा कड़े देव माझा पाहतो आहे मागे उभा मंगेश पुढ़े चंद्रकला शिरी धरी जटा झूट माथ्यावरी जटा झूट माथ्यावरी चंद्रकला शिरी धरी सर्पमाळ रुळे उरी सर्पमाळ रुळे उरी चिता भस्म सर्वा भस्म सर्वांगास लिंपून राहे माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे मागे उभा मंगेश पुढे उभा मंगेश मागे उभा मंगेश पुढे उभा मंगेश जन्म जन्मांचा हा योगी संसारी आनंद भोगी जन्म जन्मांचा भोगी संसारी आनंद भोगी
माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, मागे उभा मंगेश पुढे उभा मंगेश, मागे उभा मंगेश पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहतो आहे, मागे उभा मंगेश पुढे उभा मंगेश। जय जय विठोबा रखुमाई, 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 जय जय विठोबा रखुमाई। काल बोली की पळला नाच माझ्या संग, संग देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग, देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग, काळ बोलेची पळला नाच माझ्या संग, काळ बोलेची पळला नाच माझ्या संग, देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग, देवजीच्या दारी भेदभाव, सारे एक रूप नाही भेदभाव, नाचू गाव सारे नाचू गाव सारे, होईल संग देवाजीच्या दारी आज रंगला अभंग, निर्मिळती पळला नाच माझ्या संग, टाळ बोलती पळला नाच माझ्या संग, देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग, देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग। जनसेवेपायी काया जीत वावी, जनसेवेपायी काया जीत वावी, पांडुरंग हरी केले पायी, काया जीत वावी, घाव सोसुनिया मनी रिजवावी, घाव सोसुनिया मनी रिजवावी, ताल देवनी हा ताल देवनी हा, बोलतो मृदुंग देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग, देवजीच्या दारी रंगला अभंग, काळ बोलती पळला नाच माझ्या संग, काळ बोलती पळला नाच माझ्या संग, देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग, देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग, देवजीच्या दारी आज रंगला अभंग। हेलो, आवाज येतोय का?
सब रंग तो अभी आपके सामने बिखर रहे हैं और धन्यवाद, बहुत अच्छा आनंद लेते हुए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। एक बार ये सब मेरे ऑल ग्रेट आर्टिस्ट के लिए जोरदार तालियां बजा दो। दे आर ऑल डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स एंड दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम एंड समहाउ वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट इट ओनली बिकॉज ऑफ लव ऑफ म्यूजिक, नथिंग एल्स। आकाशी जे पघेरे पाखरा, आकाशी जे पघेरे पाखरा, सोडी सोन्या ता पिंदरा, सोडी सोन्या ता पिंदरा, आकाशी जे पघेरे भवती वैभव माया फल रसाळ मिळते काया, भवती वैभव माया फल रसाळ मिळते काया, सुख लो पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने, तुझ पंख दिले देवाने कर विहार सामर्थ्याने, हरि डोंगर हिरवीराने, हरि डोंगर हिरवीराने, जा पगेरे पाखरा सोड़ी सोन्याचा पिंजरा। बाबूजी सुधीर फड़के जी का बहुत अच्छा ये गाना है और किसी के मन में अगर ऐसे नाचने की उमंग इस उम्र में भी संगीत पैदा कर देता है तो वो संगीत की महानता है। तो जो म्यूजिशियों ने ये संगीत निर्माण किया, जिस भगवान ने वो निर्माण किया, उसके लिए एक बार वंदन और जोरदार तालियां। Thank you.
यमन का ऐसा भी एक रंग। राग यमन ऐसे रूप में भी आपके सामने आता है, कमाल है उस स्वरों की। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया मीत अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
बारे में बोलना इतना अभी मुश्किल हो गया है कि टाइम का कंस्ट्रेंट, अदरवाइज यमन में गज़ल आशा जी की बहुत फेमस गज़ल और उसको निभाना भी बहुत कठिन बात है, लेकिन साइली ने उसको बहुत अच्छे तरह से निभाया. वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द डिफरेंट कलर्स ऑफ यमन. वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गम जिंदगी के अंधेरे में हमने चरा जब याद आए, बहुत याद आए, आहटे जग उठे रास्ते हंस दे जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गम जिंदगी के अंधेरे में हमने चराग मोहब्बत बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए.
मालूम। जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, लगी मन में अदन हुई कावरिया। जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, पनी निनी रे 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 मामा माधा मामा परे, निरे रे रे मामा माधा माधा सनी धनी माँ। ओ पपी है तूने पपी है, ना है देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलैया। तूने पपी है ना है देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलैया। चाहते हैं लेकिन इतना टाइम हमारे पास में नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम में और अच्छे अच्छे गाने हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन। जग वालों मुझे दोष देना,
पहले ही बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष देना जगवालो, हो जाओ अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी
से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि जो कलाकार पेश करेंगे उनका नाम बताना। हाँ इसलिए अभी यश व्यास और निसी विद इन वन सेकेंड आई विल टेल। ओके जले आना जब श्याम ढले आना जब दीप जले आना जब श्याम ढले आना संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना दीप जले आना जब श्याम ढले जब दीप जले आना जब श्याम ढले आना संकेत मिलन भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना जब दीप जले आना जब श्याम ढले आना। हेलो दीपक राउत जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात जिंदगी
के बिजली से अचानक बोल पटना उसका, और फिर शर्म से पल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी है, कभी देखी ना सुनी ऐसी तिलस्मात किरा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मिस्टर प्रभाकर, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, तुमने मुझको हंसना सिखाया हो, तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रो लेंगे, अब रोने कहोगे रो लेंगे, अब उड़ उड़ के कहेंगे खाक सनम ये दर्द मोहब्बत। सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, ओ, चाहे बना दो चाहे मिटा दो। मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। आंसू का हमारे गम न करो, ये बहते हैं तो बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। स्मिता भोसले, हेलो।
खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है, एक खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है, होठों पे फिर भूली हुई बात आ जाती है, दो मधुरा सरस्वती हमरी ना मानो बजजवा से पूछो हमरी
धन्यवाद श्रद्धा। ज्योति
मोनिका एंड मधुरा दे आर प्रेजेंटिंग वन भजन. उसके बाद में यश व्यास एक गाना गा के ये कार्यक्रम का समापन करेगा. श्री राम श्री राम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम. श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम. नव कंजलो कार्यक्रम का समापन यश व्यास अपने गाने से करेंगे. ओ रखियो भला झूले लालन हो सिंधनी दा हो सेवन दा सखी शाह पास दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो सिंधनी दा हो सेवन दा ओ सिंधनी दा ओ सेवन दा सखी शाबाश मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर सखी शाबाश कलंदर हो दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर मावा नूर पीरा बछड़े दे मावा
बैना दूर देना बीरबला झूले लाल ओ बैना दूर देना बीरबला झूले लाल ओ सिंधड़ी दा ओ सेवन दास की शाबा अली दा पहला नंबर समादम मस्त करत अली दम दम दे अली दा पहला ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी उजड़ा रोजा तेरा तेरा उजड़ा रोजा उजड़ा रोजा उजड़ा रोजा पीरा तेरा उजड़ा रोजा उजड़ा रोजा पीरा तेरा 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 उजड़ा रोजा उजड़ा रोजा उजड़ा रोजा 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 उजड़ा रोजा हेतवा के तर यार भला झूले लाल हो हेतवा के तर हेतवा के तर यार भला झूले लाल हो सिंधड़ी दा हो सेवन दास की शाबा धन्यवाद आपने हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही आनंद लेके सुना हम लोगों को बहुत सारा प्यार दिया हमारे ये सब कलाकारों की कला उसका आपने बहुत तहे दिल से आनंद लिया इसके लिए मैं सप्तक की ओर से शुक्रगुजार हूँ कल संक्रांति का दिन है ऐसी शुभकामना सबको देती हूँ कि हम लोग सब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इसका पतंग काट के जो प्यार का तिलगुल है वो सब साथ में खा के अपने जीवन का आनंद व्यतीत करेंगे हमारी टीम की ओर से सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और भरपूर भरपूर ऐसा प्यार और धन्यवाद जो आपने हमारा प्रोग्राम हमारे सब कलाकारों का प्रोग्राम इतनी अच्छी शांति से सुना और उनको बहुत बहुत सहयोग दिया थैंक यू आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सुधा व्यास मैडम सुंदराजन सर डॉक्टर जोशी सर सोमया मैनेजमेंट समीर भाई लीलाबेन कोटक इनके आशीर्वाद से ही हम लोग आज ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर सके एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल 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 ऑडियंस एंड वंस मोर आर अकंपनिस्ट म्यूजिशियंस गौरव एंड चंदू दादा एंड थैंक यू अमरीश भाई फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सोमया थैंक यू हरिओम हरिओम अत्यार सुधी अलग अलग हिंदी चलचित्रना गीतों अलग अलग कवि कलाकारों पास थी आपणे सांभळ्या पण आजना जे गीतों तमे सांभळ्या ए कलाकार हता सोमया संकुलना पछी ए चुनाभट्टी सायन साइडना होय के अमारा सोमया विद्याविहारना होय फरी एकवार आ सौ कलाकारों माटे हृदयपूर्वक
आभार व्यक्त करती ताड़ियों नो गड़गड़ाट। मैडम मेरी भी एक विनती है, यश व्यास गुजराती है, अगले साल जब आप राग यमन के गाने प्रस्तुत करो ना, तो एक गुजराती गाना भी होना चाहिए। आपने हिंदी प्रस्तुत किया, आपने मराठी प्रस्तुत किया, तो फिर गुजराती भी होना चाहिए। तो अगली बार ये विनती आप स्वीकार करना। हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और प्रयत्न करेंगे। मैं थोड़ा सा गुजराती में बोलने वाली थी, बट इतना बद्दू आवड़तू नथी मने तो नहीं, लेकिन यश तो गुजराती है, वो पक्का तो वो गुजराती गाना गा सकता है। दो तीन गुजराती गाने नेक्स्ट टाइम श्योरली पक्का। हरिओम। कजे सोमया ट्रस्ट, सोमया संस्कृति विहार अने सोमया विद्या विहार ना 25मा ज्ञान यज्ञ मा कजे सोमया विज्ञान अने वाणिज्य शाखा द्वारा प्रस्तुत सप्तक कार्यक्रम मा सोमया संकुल ना अने सोमया सायन संकुल ना कलाकारों ए जे आजनो राग यमन पर आधारित विविध रंगी कार्यक्रम रजू करो ए बदल समग्र सोमया परिवार वती एमना ऋण स्वीकार करिए छे। हरिओम हरिओम हरिओम। आवतीकाले सवारना 7 वागे